हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स चेक कर रहा था, तो यहाँ पे यूट्यूब का अर्निंग का रिलेटेड बहुत सारा कमेंट्स यहाँ पे आया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लिख के जवाब देना संभव नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको टोटली मतलब यहाँ पे जो जो आपका कमेंट्स यहाँ पे बहुत सारा कमेंट्स यहाँ पे आया है, तो उनमें से जो कॉमन जो क्वेश्चन है, ठीक है, और जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन एक्चुअली मुझे मिला है यहाँ पे, तो ही क्वेश्चन का यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोन ट्यूब, मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा ऐसा वीडियो टिप्स को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो करने जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे जरूर क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब अर्निंग का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे इस वीडियो पे जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे कि व्हाई इज माय यूट्यूब मनी इज गोइंग डाउन। तो यहाँ पे आपका जो चैनल का जो अर्निंग है, आपका चैनल का अर्निंग कम हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन जो कारण है उसका पीछे का वो है फ्रेंड्स, आप पहले जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे थे अभी उस टॉपिक के ऊपर नहीं वीडियो बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप अभी दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं शायद, क्योंकि फ्रेंड्स आप पहले जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे थे वही वीडियोज को देख के जो लोग सब्सक्राइब किया था आपका चैनल को, अभी वो लोग दूसरा टॉपिक के ऊपर जब भी आप वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए वो लोग आपका चैनल को छोड़ के दूसरा चैनल पे चला जा रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो मनी है, आपका मनी बहुत ही ज्यादा कम हो रहे हैं, यहाँ पे आपका अर्निंग बहुत ही ज्यादा कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि आपका वीडियो को अगर दिखा नहीं जाएगा तो यहाँ पे आपका वीडियोस पे जो एड्स आते हैं वो एड्स नहीं चलेगा, तो इसके लिए आपका यहाँ पे अर्निंग भी ज्यादा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जिस नीच के ऊपर आप वीडियो बना रहे थे पहले, तो ही नीच के ऊपर आपको वीडियो बनाना होगा दोबारा, ठीक है, मतलब आपका जो नीच है, आपका जो कैटेगरी है वो एक ही रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वो है फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट इज सीपीएम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपीएम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है फ्रेंड्स कॉस्ट पर माइल, और कॉस्ट पर माइल एम यहाँ पे एक्चुअली एक आपका एब्रिविएशन है, जो रोमन एब्रिविएशन वर्ड है एम, एम फॉर मतलब 1000, इस यहाँ पे मेंशन करते हैं यहाँ पे 1000, मतलब आपका यहाँ पे जो एड्स यहाँ पे दिया जाते हैं आपका वीडियोस पे, तो यहाँ पे आपका एड्स का 1000 इंप्रेशन जो होते हैं, 1000 व्यूज जो होते हैं, उसको अगर आपका टोटल एड का जो आपका जो कॉस्ट है, ठीक है, 1000 टोटल एड का जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट के साथ अगर इसको आप डिवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर 1 into 1000 मतलब 1000 के द्वारा आप इसको गुना करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका सीपीएम होगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन के नीचे यहाँ पे उसका टोटल यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको दे दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा वीडियोस पे बहुत सारा तो एड्स भी चलते हैं लेकिन मेरा अर्निंग ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वीडियोस पे एड्स चल सकते हैं लेकिन आपका एड का वैल्यू कितना है वही उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका अर्निंग कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका जो टॉपिक है, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका सोचिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका आप जो वीडियो बना रहे हैं वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो यूरोपियन जो कंट्री है मतलब बाहर का जो कंट्रीज है वहाँ पे देखा जाएगा, और वहाँ पे अगर ज़्यादा देखा जाते हैं तो वहाँ पे उसका जो एड्स का जो वैल्यू होते हैं, वहाँ पे लोकल जो एडवर्टाइजर्स है वो जो वहाँ पे जो एड का जो वैल्यू देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगा। इवन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर यहाँ पे इंडिया क्या आपका बांग्लादेश क्या या श्रीलंका क्या पाकिस्तान यहाँ पे ऐसा अगर कंट्रीज़ में चलते हैं वही वीडियो, तो यहाँ पे वो एड्स का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे उसका जो मतलब अर्निंग होगा वो अर्निंग बहुत ही कम होगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर मेरा जो अर्निंग है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्निंग को इंक्रीज़ करना मतलब यहाँ पे सीपीएम को इंक्रीज़ करना, तो यहाँ पे सीपीएम आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो जितना सर आप वीडियो बना रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं उसका जो मेन जो कीवर्ड आप डाल रहे हैं, मतलब जो मेन कीवर्ड के ऊपर बेस करके आपका वीडियोज़ है, मतलब जो जैसे कि हाउ टू मेक ए फिल्म, मतलब यहाँ पे हाउ टू मेक ए फिल्म ये आपका मेन कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड को आप गूगल एडवर्ड का जो कीवर्ड प्लानर है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इसका वैल्यू अभी कितना चल रहा है, क्लिक यहाँ पे इसका सीपीसी वैल्यू के सीपीएम वैल्यू कितना चल रहा है, तो आप पता चला सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक करके देखिए कि कौन कौन कीवर्ड का वैल्यू ज़्यादा है, उसके ऊपर अगर वीडियो बनाते हैं तो जरूर आपका वीडियोज पे अर्निंग ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद एक क्वेश्चन सभी का मन में चलते हैं, जो एक कन्फ्यूजन चलते हैं कि सीपीएम और सीपीसी क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सीपीएम के बारे में, आपको तो पता चल गया है ऑलरेडी। और सीपीसी क्या है? क्लिक पर कॉस्ट, मतलब यहाँ पे आपका हर क्लिक में यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे जो एडवर्टाइजर से वो आपका हर क्लिक में पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। और क्लिक पर माइल है आपका 1000 आपका इंप्रेशन हो, जो होते हैं आपका जितना सारा एड्स यहाँ पे शो करते हैं वहाँ पे 1000 ऑफ इंप्रेशन का टोटल जो वैल्यू होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इतना ही आपका क्वेश्चन था। तो और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीटीआर जो वैल्यू है, मतलब क्लिक थ्रू रेट का जो वैल्यू है, वो अगर आपका हाई रहते हैं तो यहाँ पे आपका जो अर्निंग है वो भी आपका ज्यादा होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जितना सारा चीज है ये एक्चुअली एडसेंस का यहाँ पे एल्गोरिथम है, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पे जो अर्निंग देते हैं वो गूगल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होते हैं वो एडसेंस करते हैं, गूगल द्वारा किया जाते हैं। एक्चुअली यूट्यूब का तो यहाँ पे एल्गोरिथम कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल द्वारा ये सेट किया जाते हैं और एडवर्टाइजर्स भी गूगल द्वारा यहाँ पे सेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ सवालों का जवाब देना था आपको। तो आशा करता हूँ आपका जितना सारा कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है अभी। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, तो कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जरूर लिखिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपका सब्सक्राइब से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।